दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी ITR को फाइल कर चुके हैं और आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो अब आप उसको वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं। तो ITR फाइल करने के बाद उसको वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होता है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपकी जो ITR आपने फ़ाइल की है वो डिफेक्टिव मान ली जाती है। और जो वेरिफिकेशन कराने का टाइम पीरियड है दोस्तों, वो केवल 30 डेज़ का है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग योर ITR। तो जिस दिन आपने ITR फाइल कर ली उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी ITR को वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होता है। और ये जो वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं, दो मोड से करा सकते हैं। एक आपका ऑनलाइन मोड हो सकता है, एक आपका फिज़िकल मोड हो सकता है। तो ऑनलाइन मोड के अंदर कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे फेमस जो ऑप्शन होता है, जो मैक्सिमम जो ITR फाइलर है वो यूज़ करते हैं, आधार OTP। इसके अलावा कोई डिजिटल सिग्नेचर आपके पास हो, नेट बैंकिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन मोड में नहीं जाना चाहते हैं तो फिज़िकल मोड में आपकी जो भी ITR की एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है उसको आप जो है साइन कर देते हैं और बेंगलुरु CPC के एड्रेस पे जो है सेंड कर देते हैं। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप ITR को वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं जब आप ITR फाइल कर चुके होते हैं, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे आपने उस टाइम ट्राई किया होगा आधार OTP के लिए, तो किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से या एरर की वजह से आपको वो OTP नहीं मिला होगा, या आपने सोचा होगा कि मैं बाद में जो है इसको हार्ड कॉपी CPC बेंगलुरु के एड्रेस पर सेंड कर दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी ITR को फाइल कर चुके हैं तो विद इन 30 डेज़ जो है इसको आप कैसे ई वेरीफाई जो है करा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए डिटेल में वीडियो को जान लेते हैं। हार्डली वीडियो 2 मिनट का रहने वाला है दोस्तों, तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहें। तो इसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जो है वो ले आया हूँ। जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड जो है वो नज़र आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, ई फाइल के अंदर चले जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ जाएगा ई वेरीफाई रिटर्न, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए असेसमेंट ईयर 2023-24 में ITR 1 जो फाइल की वो 6 जुलाई 2023 को जो है वो फाइल की है, तो इसको ही वेरीफिकेशन जो है आज हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा ई वेरीफाई का, तो आप ई वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ई वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर आपका पैन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ITR 1 और असेसमेंट ईयर नज़र आ जाएगा। और नीचे देखिए आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे ई वेरीफाई कराने के, आधार OTP से करना चाहते हैं या फिर आप DSC से करना चाहते हैं या फिर थ्रू नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं। तो इसके अंदर मैं ऑप्शन जो है वो आधार OTP का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर OTP आ जाएगा, तो इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको जो है कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा कुछ इस तरीके से आपके से मैसेज पूछेगा, आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है चेकबॉक्स के ऊपर और जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके पास एक जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार के अंदर उसके ऊपर OTP आ जाएगा। वो OTP यहाँ फिल कर देंगे सिंपली आप और यहाँ से इसको वैलिडेट कर देंगे, तो आपकी जो ITR है वो ई वेरीफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपने भी अपनी ITR को वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, ई वेरीफाई नहीं किया है, तो ये छोटा सा स्टेप है, इस तरीके से आप अपनी ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।